सर ईजीजी टेक है? नहीं है। सर ईजीजी टेक है? नहीं है। सर ईजीजी टेक है? नहीं है। और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक है? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक है? और सुनाओ कोई नई ताजा। चलो आज कुछ काम की बात कर लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट में आपको ना बहुत सारी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं जो शायद आप ऐसे लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया, यार ऐसा क्या हो गया। कि मतलब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी लॉजिक टॉपिक ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि ईजीजी टेक आपको 17-18 हज़ार रुपये के आसपास मार्केट में मिल रहा होगा और आपने ख़रीदा भी नहीं होगा। और अभी अगर इस टाइम आप मार्केट में रेट ट्राई करोगे तो पहली बात तो मार्केट में ईजीजी टेक है ही नहीं, ईजीजी टेक है ही नहीं मार्केट के अंदर। और अगर आप किसी से परचेज करोगे, अगर किसी के पास है भी स्टॉक में, तो शायद रेट इतना होगा कि आप चौंक जाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक्चुअल में ये होता है कि जब कोई चीज़ मार्केट में से स्टॉक ख़त्म हो जाता तो लोग बागों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ही कस्टमर 50 जगह कॉल कर देता है कि भाई मेरे को ईजीजी टेक चाहिए, ईजीजी टेक चाहिए, ईजीजी टेक चाहिए। तो एक बार उससे पहले, मतलब इस टाइम से पहले लॉकडाउन के दौरान, तो उस टाइम यूएफआई आना बंद हो गया था, यूएफआई आना बंद हो गया था, किसी कारण भी इसी आ नहीं पा रहा था। तो मार्केट के अंदर यूएफआई का इतना ज़्यादा क्रेज हो गया कि बहुत ज़्यादा, कि सब लोग बाग सोचने लगे कि यूएफआई। तो फिलहाल ऐसा ही कुछ हाल है ईजीजी टेक का। अगर आप ईजीजी टेक लेने के लिए सोच रहे हो या आपने मूड बनाया है या कुछ किया है, तो अभी आपको शायद मार्केट के अंदर ईजीजी टेक देखने के लिए नहीं मिलेगा और नहीं आपको मिलेगा। मतलब अगर मिला भी तो हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टिंग हो और शायद उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब अवॉइड ही कर दोगे कि कह सकते हो कि यार बहुत ज़्यादा कॉस्ट है कि मैं तो सोच लूँगा अभी। एक्चुअल में क्या है कि ईजीजी टेक का कुछ अंदर की लीक है, देखो ये पक्की बात तो मैं कह नहीं सकता, बाकी हाँ कुछ सुनी सुनी बात है कि ईजीजी टेक जो पहले था कि वो पार्टनरशिप में चल रहा था, तो अभी पार्टनरशिप ईजीजी टेक की ख़त्म हो चुकी है। और जो ईजीजी टेक के जो UFS के लिए आपको अलग अलग अडेप्टर खरीदने पड़ते थे, तो वो भी एक बहुत महंगा पड़ता था। तीन ही, मतलब एक ही UFS के लिए अडेप्टर आपको 8000 रुपये का पड़ता था समथिंग। तीन अडेप्टर तो चाहिए थे, दो UFS के, एक ही MMC का, तो समथिंग जाके हमें पड़ता था 24000 रुपये का, 18000 रुपये का बॉक्स। तो इस वजह से बहुत हाई कॉस्टिंग हो चुकी थी। तो अभी ईजीजी टेक का क्या है कि जितने भी मार्केट के अंदर उनका पुराना स्टॉक पड़ा था वो सब निकल जाएगा और आने वाले टाइम में शायद ईजीजी टेक कुछ अच्छे लेवल तक की बात लेके आए आपके सामने और अच्छी चीज़ आपको मिले ईजीजी टेक। ईजीजी टेक का फिलहाल यही फंडा। अगर कोई भाई मूड बनाए बैठे हो तो थोड़ा वेट करो, मार्केट में जब भी आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। दूसरी चीज़, UFI आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो, बहुत UFI हैं पूरी इंडिया के अंदर, कहीं से भी UFI ले सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात, अभी UMT आपको शायद अभी UMT 3900, 4000 या 3800 के आसपास मार्केट में रेट देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन अब कुछ दिन में, शायद 2-3 दिन में UMT का भी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि चाइना से जो कार्ड रीड UMT वाला जो ये होता है ना, कार्ड रीडर बोलते हैं हम इसमें, जो सिम लगती है एक तरीका का कार्ड रीडर चिप, ठीक है, तो ये वाला जो कार्ड रीडर है अभी वो चाइना से आ नहीं रहा। आ तो रहा, मतलब बहुत पैसा बढ़ चुका चाइना का। जो बंदा कार्ड रीडर को, इस कार्ड रीडर को 200 रुपये का ख़रीदता था, जो सेलर 200 रुपये का ख़रीदता था, तो आज वो ही 400-500 रुपये का ख़रीदेगा, तो उसे तो थोड़ा महंगा तो लगेगा ही। तो ये कुछ अंदर की बात थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और शायद आने वाले टाइमों में आपको UMT पे भी कॉस्ट बढ़ के मिल सकती हैं। UMT तो बहुत हैं इंडिया के अंदर, अगर किसी भाई को बाय करना तो कहीं से भी बाय कर सकते हो, अगर अभी मूड बन रहा तो ले सकते हो। अगर इस हफ्ते या 2-4 दिन छोड़ के अगर आप लोगे तो शायद 200-300-400-500 रुपये तक बढ़ के मिल सकता है UMT। और MRT इंडिया के अंदर बहुत हैं, कितने भी ले लो, कहीं से भी ले लो MRT, कहीं कोई शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको MRT उसी रेट में 3500, 3600, 3700, 3800 के आसपास में आपको MRT मिल जाएगा। MRT बहुत है। अब रही बात और टूलों की, और टूल भी बहुत हैं, पर अभी कुछ थोड़ा बहुत इशू ऐसा ही चल रहा था, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको अपडेट बताना ज़रूरी था। मैंने समझा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते, बाकी वीडियो तो बहुत सारी पड़ी हैं बनाने के लिए, अभी टाइम नहीं मिला। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भाई
जो भाई नहीं जिन भाइयों का गिफ्ट था ना गिवे का, अभी जो मेरा चैनल है टेक्निकल मैथिल, नीचे लिंक दे रहा हूँ, और उसी पे मैंने एक वीडियो डाल दिया गिवे की आपके रिजल्ट की, तो वहाँ से जाके चेकआउट करो किस किस भाई के नाम आए, मेरे को एड्रेस सेंड कर दो, आपका कोरियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी AK-AKT का गिवे रह रहा, और पार्ट फिक्सेस का भी गिवे रह रहा, तो वो भी बहुत जल्दी आपके वो वीडियो बन के मिल जाएंगी आपके गिवे की। और जिस भाई का भी जो भी नाम आता वीडियो को देख लिया करो, और अपना नाम करके अपना सभी के पास मेरा नंबर है, अपना एड्रेस सेंड कर दिया करो, ठीक है। तो ये कुछ अंदर की बात थी जो शायद मैंने समझा कि आपको बता देता हूँ, और ये ही है। और एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सभी भाइयों को, मेरे को ये बताओ कि ओप्पो के चक्कर में हो क्या रहा आप लोगों के साथ में, ओप्पो के चक्कर में क्यों बेमतलब की खामा खा परेशान हो रहे भाई। ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, कहीं भी ऑन नहीं है। बहुत भाई मेरे को फ़ोन करते हैं या किसी के पागलपंती के चक्कर में आके लुट जाते हैं, उनका खामा खा पैसा लुट जाता, ठीक है। तो ओप्पो की जो सर्विस है ना वो ऑल इंडिया ऑफ है, वो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ओनली सर्विस सेंटर अवेलेबल है। अगर ओप्पो की सर्विस ऑन भी है तो कोई करके देगा तो वो 3,000 रुपये या 3,500 रुपये में करके देगा। अब आप ये सोचो कि मैं कितने लूँगा कस्टमर से, और कितना मैं किसी सामने वाले पे कितना विश्वास कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से आपको बता देता हूँ कि ओप्पो की सर्विस ऑफ है। ओप्पो के चक्कर में ना लुटें, खामा खा किसी ने आपका पैसा ले लिया तो कोई पैसा आपका वापसी नहीं देगा, ठीक है। तो यही मेरा काम था, शायद एक छोटा सा अपडेट देने के लिए मैंने आपको बता दिया। और टेक्निकल जो मैथिल है उसके नीचे मतलब टेक्निकल मैथिल जो मेरे चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके अब वीडियो को चेकआउट कर लेना, जिस भाई का भी नाम आया हो तो वो कर लेना, ठीक है। और अभी हम थोड़ा एक बड़ा गिफ्ट सोच रहे हैं सभी भाइयों के लिए, देखते हैं कि क्या होता, वो थोड़ा एक अभी सीक्रेट है, वो भी आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।